और जब न्यायालय का फैसला है तो सब लोगों को पालन करना चाहिए, न्यायालय के फैसले का हम सब लोगों को सम्मान देते हैं। ये अचानक अभी बन गया। सूचना मिलती रहती है हम लोगों को। हम लोगों ने तो शुरू से ही बोला कि हमारी पैनी नज़र सभी लोगों पर, सरकार में बैठे उनके मुखिया हों, उनके मंत्री हों, उनके चहेते कुछ अधिकारी हों, हर एक चीज़ों पर हमारी नज़र है। क्या तिगरम बाजी करेंगे आप लोग? सब लोग जानते हैं कि अगर देश में पूछा जाए, पिछले चुनाव बिहार विधानसभा का आम चुनाव जो हुआ, किसी से पूछिए तो सब लोग बोलते हैं बड़ी धांधली की है। और जिसको लेकर के हमारे 12 ऐसे प्रत्याशी महागठबंधन के कोर्ट का दरवाज़ा तक गए एविडेंस के साथ। और हम सब लोग जानते हैं कि किस स्तर पर आकर के नीतीश कुमार जी ने राजनीति की है। चुनाव जीतने के लिए हर एक धन बल बेईमानी छल कपट सब प्रयास किया। और हम लोगों की शिकायत पे कई तबादले भी, कई वीडियो भी हम लोगों ने जो है जारी किए। साफ जाहिर होता है इससे कि किसके प्रेशर में आकर के कौन लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोगों को सूचना मिल रही है कि भाई दो, एक विभाग के दो मंत्री बिहार में हैं, एक को मिलवे ड्यूटी है, एक अनऑफिशियल है, एक ऑफिशियल मंत्री है, एक दरभंगा में बैठे हैं, एक मुंगेर में बैठे हैं। तो इनका प्रयास है कि किसी भी प्रकार से हारने के बावजूद भी इनको सर्टिफिकेट जो है थमा दिया जाए तरीके से। और चाहिए मंत्री को आश्चर्य की बात है कि सरकारी कर्मचारी तो डरे रहते हैं, उनको खतरा रहता है उनके नौकरी को। इस बार जो है संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं उनकी चुनाव में गिनती रखी गई। हालांकि हमारे पास एक एक लोगों का नाम और लिस्ट है कि किसको कहाँ ड्यूटी मिली है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, सब लोगों का हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि किसको क्या ड्यूटी दी गई है। किसी भी प्रकार से जनादेश की चोरी, जनादेश का अपहरण, ये हम लोगों का फर्ज है कि इसको ना होने दें। जनता ने जो जनादेश मिला है उसका सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। कुछ भी कर ले, जीत हमारी होना तय है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत अगर आती है तो हम वहीं बैठे हैं, हमारे एक चीज़ों को देखेंगे। हम दरभंगा जा रहे हैं और जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुंगेर रवाना हो चुके हैं। हर जगह हम लोगों की पैनी नज़र है। और मुख्यमंत्री जी तो भावनात्मक शोषण करते रहे हैं, उनके चाल और चरित्र को पूरा देश जान गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बताइए किसी भी मुख्यमंत्री का बयान कि हमको कौन गोली मरवा देगा, नहीं मरवा देगा, इस तरह की बयान किसी भी स्तर पर आकर के कुछ भी बोल देना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहेगा। तो हमारी जो है पूरी पैनी नज़र जो है इस चुनाव की गिनती मतगणना को लेकर के हमारी पैनी नज़र है। और हम और सिद्दीकी जी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं दरभंगा। वहाँ भी हमारी पहले से जो टीम है वो सब लोग वहाँ उपस्थित हैं। अब जाकर के नियम कायदा जो बदले जा रहे हैं, बदलाव जो आ रहा है, कहीं 3 हॉल कर दिया गया है, कहीं 1 हॉल है, कहीं 2 हॉल है, कोई क्लैरिटी किसी भी दल या किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहें मतगणना का क्या आदेश है, गिनती को लेकर के क्या सरकारी आदेश उन लोगों ने दिया है कि किस प्रकार से गिनती कराएंगे, कितने टेबल होंगे, कितने आरओ होंगे, कितने एआरओ होंगे, पोस्टल वाले में अलग होगा कि सेंट्रल हॉल में होगा, या सेंट्रल टेबल कहाँ है, इस तरह की जो कन्फ्यूजन जो है लगातार जो है पैदा किए जा रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग सब लोग वही हैं और एक एक चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। उनके मंत्री हों या संतरी हों, सब अधिकारी तो बेईमान नहीं होता, लेकिन कुछ तो हैं
हमने पूर्व में भी शिकायत किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई है, हटाए गए हैं सब लोगों का लिस्ट है हम लोगों के पास, चाहे वो संविदा कर पे हो, ड्यूटी मिली हो या कोई सरकारी कर्मचारी। भाई सरकार का प्रशासन का डर तो रहता ही ना जो सरकारी कर्मचारी हो, तो हम लोग सब लोग हैं। नीतीश कुमार कह रहा था कि जनता मालिक है, वो सब बांटे हैं, बंटवाए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम होता है रोकना। आप जो आपके अधिकारी जो वायरल हुआ था, डीलर लोगों को धमका रहे थे, आपके मंत्री कैंप करवा करके मीटिंग बुलाते हैं डीलर लोगों का, ऑडियो भूल गए क्या? शराब कहाँ से आ रहा है भाई? और जबकि 144 धारा इतने पूर्व से ही जब आचार संहिता लागू हो जाए तो सिक्योरिटी बॉर्डर तो ऐसी टाइट हो जाती है। शराब कहाँ से आता, सारी कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, कितने मंत्रियों का, हम तो बोल रहे हैं ना, क्या कौन सा होता है CCR जो कॉल रिकॉर्ड जो होता है, CDR निकलवाए मंत्रियों का, कौन कौन कहाँ कहाँ उछल रहे थे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है हिम्मत तो। हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ लोग मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को देते, ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।